नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। काया कल्प कर देगी, कैंसर को भी मात दे देगी कच्ची हल्दी। जानिए कच्ची हल्दी के कई फायदे डॉक्टर प्रताप चौहान से सिर्फ संजीवनी में। भारतीय व्यंजन हल्दी के बिना अधूरे हैं। हम चाहे कोई भी सब्जी बनाएं, उसमें हल्दी जरूर डालते हैं। हमारी खाना बनाने की पद्धति कहीं ना कहीं आयुर्वेद से भी जुड़ी हुई है। आज डॉक्टर प्रताप चौहान आपको रसोई में रखे हल्दी पाउडर नहीं बल्कि कच्ची हल्दी के वो सेहतमंद गुण बताएंगे जो हल्दी पाउडर से भी 10 गुना ज्यादा असरदार और लाभकारी हैं। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं हल्दी के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर ये, और अमूमन हमारे दर्शक जानना भी चाहेंगे कि जो एक कच्ची हल्दी होती है और जो एक हल्दी हमारी किचन में रखी हुई होती है, तो दोनों में कितना अंतर है, कितना फर्क है? देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। और कच्ची हल्दी आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गई है। पहले तो शायद लोग नहीं जानते थे कच्ची हल्दी, बहुत कम लोगों को मालूम था। कच्ची हल्दी का मतलब होता है कि जो हल्दी ताज़ा हम जो है जहाँ पैदा करते हैं, जहाँ हल्दी की खेती होती है, तो ये हल्दी जो है जड़ होती है। जैसे अदरक होती है, आपने अदरक देखी है, ताज़ा अदरक, बिल्कुल उसी तरह की ये जड़ होती है। और उसका प्रयोग भी किया जाता है, उसमें भी काफ़ी सारे गुण होते हैं क्योंकि वो फ्रेश होती है। तो फ्रेश होने के कारण डेफिनेटली उसमें आयुर्वेद के अनुसार जो उसका वीर्य यानी कि उसकी पोटेंसी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसके अंदर होती है। जो भी उसके बेनिफिशियल जो उसकी क्वालिटीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। इसलिए अगर ताज़ी हल्दी जब आपको सीजनली मिले तो उसका सेवन करें। जो आपके रसोई में जो हल्दी होती है, उसी जो कच्ची हल्दी को पहले उसका छिलका उतार करके फिर पानी में उबाला जाता है, फिर उसको सुखा करके उसका पाउडर किया जाता है। तो डेफिनेटली दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि सूखी जो कोई चीज़ होती है उसमें कुछ उसके जो द्रव्य अंश जो होते हैं, जो उसका में गीलापन जो होता है वो सूख जाता है और उसमें भी कुछ बेनिफिट उसका होता है। कई बार उसमें जो उसके इंटरनल जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको काउंटर बैलेंस करने की भी जो उसमें क्वालिटी होती है। जैसे कि हल्दी जो है कच्ची हल्दी, वो कफ और पित्त का शमन करती है। नॉर्मली हल्दी थोड़ी गर्म होती है, लेकिन कच्ची हल्दी क्योंकि थोड़ी इसमें पानी का अंश होता है तो पित्त में भी वो काम करती है। तो इस प्रकार से हम इसका डिफरेंस देख सकते हैं। और आज बहुत अच्छा विषय है, आप जरा ध्यान से सुनिए, आपको बताएंगे किस प्रकार से आप कच्ची हल्दी को प्रयोग कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। गुजरात से संजीवनी दर्शक मनीष जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका संजीवनी में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर, मेरे को मोटापे की शिकायत है 2 साल से। मोटापा, कितना वजन है आपका अभी? मेरा 90 kg। 90? अच्छा, वजन तो काफी है। हाइट कितनी है? हाइट है 6 फुट। अच्छा, 6 फुट हाइट है, तो दैट्स गुड, अच्छी हाइट है आपकी। तो 90 kg, लेकिन वजन थोड़ा ज्यादा है। आई थिंक 6 फुट का कहीं अराउंड 80 तक होना चाहिए, 78-80 ऐसा कुछ होना चाहिए। तो 10 किलो वज़न तो कम करना चाहिए आपको, और 10 किलो आप कर सकते हैं कम, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि वेट लॉस के लिए जब भी आपको कोई भी आपको तरीका आप कोई बताता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं उसमें बता रहा हूँ, 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक आपको फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी पड़ेगी, दूसरा आपका जो है जो डाइट है और जो आपका भोजन जो खाते हैं उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार लोग आजकल ऐसे कुछ ऐड देते हैं कि जो मर्जी खाओ हमारा ये प्रोडक्ट ले लो, इससे वजन कम हो जाएगा। बहुत सारा जो है वेट लॉस का प्रोग्राम आजकल बाजार में बिकता है, लेकिन सिंपल सा आप एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये समझ लीजिए आयुर्वेद का कि जब भी आपकी अग्नि जो है वो भोजन को नहीं पचाएगी तो वो जो एक्स्ट्रा जो अनपचा हुआ बिना पचा हुआ जो भोजन बच जाता है उससे एक चिकना पदार्थ बनता है जिसको आम बोलते हैं। वही आम जो है हमारे मेदो वह स्रोतस यानी कि फैट कैरिंग चैनल्स में जा कर के ब्लॉकेज पैदा करता है और वहाँ फैट जमा होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको आम का पाचन करना है। आम पाचन के लिए बहुत बढ़िया है थोड़ा सा अदरक का चूर्ण सुबह शाम आप जो है, या सौंठ का चूर्ण जो घर में होता है सूखा, वो सुबह शाम आप सेवन करना शुरू करें, आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को। नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, जीवा की स्लिम टी भी मंगा लीजिए। और इसके अलावा पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, मैं बार बार आपको समझाता हूँ,
आयुर्वेद का मतलब है किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श पहले करना है, फिर वो आपके लिए ही स्पेशली दवाई बना के दे, चाहे वो मोटापा है, चाहे वो कोई स्किन की प्रॉब्लम है, चाहे वो सिंपल बालों की प्रॉब्लम है, हर कंडीशन के अंदर आपको जो दवाइयाँ लेनी है आयुर्वेद की, वो केवल पर्सनलाइज्ड व्यक्तिगत आपके लिए जो एक मिक्सचर बनाया गया है उसी को आप समझ करके और आयुर्वेद उसी को मानिए, क्योंकि यही आयुर्वेद का प्रॉपर तरीका है। बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी लेकिन बाद में आपको ये महसूस होगा कि उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा आपको। तो हम यही चाहते हैं कि आप हमारा शो देखते हैं तो हम साथ साथ आपको शिक्षित भी करते हैं, आयुर्वेद के बारे में बताते हैं, आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों के बारे में बताते हैं। आप गुजरात में रहते हैं, गुजरात में जीवा की क्लिनिक्स अवेलेबल हैं, वहाँ जाकर के भी पर्सनली आप हमारे डॉक्टर से बातचीत करके और भी कोई आपको जानकारी प्राप्त करनी है, अपनी प्रकृति के बारे में जानना है, अपनी अग्नि के बल के बारे में जानना है, हमारे यहाँ पर पूरा प्रोटोकॉल हमने एक ऐसा बनाया है, पहली बार विश्व में जो है आयुर्वेद में प्रोटोकॉल जो है जीवा में बनाए गए हैं और उनका प्रयोग भी हम लोग कर रहे हैं पेशेंट्स के ऊपर। संजीवनी देखते रहिए, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद डॉक्टर चौहान देंगे आपको संजीवनी टिप्स और बताएंगे तुलसी सेहत के लिए कैसे है रामबाण औषधि। और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कच्ची हल्दी के फायदे क्या हैं, किन बीमारियों को दूर कर सकती है कच्ची हल्दी। सर, कच्ची हल्दी और बीमारियों का कनेक्शन क्या है? अगर कोई बीमारी है ऐसी जिसमें हल्दी, जो कच्ची हल्दी है, वो सहायता कर सकती है, कहीं हमें मदद कर सकती है? देखिए, जो हम इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को अगर देखते हैं, कच्ची हल्दी जो है वो एंटी ऑक्सीडेंट, आपने नाम सुना होगा, आजकल काफ़ी पॉपुलर है, यानी कि एंटी कैंसर। आजकल तो जो हल्दी है उसका कुरकुमिन जो उसका एक्टिव इन्ग्रीडियंट है वो बहुत पॉपुलर है, इवन हल्दी वाला दूध बहुत पॉपुलर हो रहा है। आजकल अमेरिका के अंदर टर्मरिक लाते करके दूध मिलता है, वो $10 का आपको ग्लास मिलता है वहाँ पर, जो हल्दी वाला दूध हमने छोड़ दिया, वो विदेशों में लोग उसको पी रहे हैं। तो थोड़ा सा क्योंकि उन्होंने पाया कि रिसर्च करके कि इसमें बहुत सारे गुण हैं। शोथर है, ये तो हम सब जानते हैं, कहीं पर भी सूजन आती है या दर्द होता है कहीं बॉडी में, कई बार चोट लग जाती है, तो हल्दी वाला दूध हमारे यहाँ दिया जाता है, तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर का भी काम करती है। इसके अतिरिक्त जो है हल्दी हमारे शरीर में, अगर हम उसको जो है थोड़ा, उसका कच्ची हल्दी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसका थोड़ा सा रस निकाल करके या उसका पेस्ट बना करके अगर आप दांतों में मसलेंगे या दांतों में थोड़ा मंजन जैसा करेंगे, तो दांतों के अंदर कीड़ा लगा हो, मसूड़ों में आपको दर्द होता है, या दांतों को चमकाने का काम भी कच्ची हल्दी करती है। और त्वचा के लिए तो आपको मालूम ही है कि त्वचा के लिए तो कच्ची हल्दी का प्रयोग काफ़ी किया जाता है, कच्ची हल्दी का पेस्ट बनाया जाता है, और कच्ची हल्दी का पेस्ट बना करके कच्चे दूध में या थोड़ा उसमें शहद मिला करके चेहरे पर लेप करने से आपकी चेहरे में चमक आती है। आपने देखा होगा कि हल्दी का जो है, जो जितने भी हमारे ब्यूटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आज से नहीं हजारों वर्षों से प्रयोग होता है। अभी भी जब लड़का लड़की की शादी होती है तो हल्दी लगाई जाती है उनको, तो वो एक सुंदरता का प्रतीक है। हमारे यहाँ पर जीवा में हमने हल्दी की एक बहुत अच्छी क्रीम बनाई है जो बहुत पॉपुलर है, लोग उसको यूज़ करते हैं, और वो एक त्वचा के लिए, त्वचा में चमक लाने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसके अतिरिक्त जो है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये कफ के रोगों में बहुत अच्छा काम करती है, खांसी जुकाम बलगम किसी को, हड्डियों को भी मजबूत करती है। अगर आप कच्ची हल्दी का सेवन दूध में उबाल करके जैसे करते हैं तो उससे आपकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे गुण हैं और इसका प्रयोग करना चाहिए। लोग इसकी सब्जी बना के भी खाते हैं, सब्जी बना के खाने से भी जो है आपके जो बॉडी में जॉइंट्स हैं या आपके जो अन्य जो बोन्स हैं, जो आपकी हड्डियाँ हैं, उनमें शक्ति आती है। तो आपने सुना कच्ची हल्दी के ढेर सारे फायदे हैं और डॉक्टर चौहान आपको कुछ और ज़रूरी बातें भी बता रहे हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। अब जबकि डॉक्टर चौहान ने आपको बताया है कि कच्ची हल्दी के ढेर सारे फायदे हैं, तो अब ये जानने की कोशिश कर लेते हैं कि फ़ायदे के साथ कहीं कच्ची हल्दी का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो सर बताइए कि कच्ची हल्दी अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है इसका? देखिए, जितनी नेचुरल चीज़ें हैं इनका कोई साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है, लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को सेवन करने की विधि आपको मालूम होनी चाहिए, उसकी मात्रा सही होनी चाहिए। तो वो अगर आप नहीं जानेंगे और उसको आप नहीं जानते हैं और ज़्यादा मात्रा में उसको सेवन करेंगे तो डेफिनेटली फिर, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा वो एक तो ब्लीडिंग कॉज करती है, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देनी चाहिए, लेडीज़ को जो प्रेग्नेंट होती हैं, क्योंकि उसमें कुछ मिसकैरेज या यूट्रस में कई बार कॉन्ट्रैक्शंस पैदा कर देती है।
इसी तरह से ये भी कहा जाता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनको भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा दूध पी रहा है तो मदर का जो भी उसमें कोई इम्बेलेंस आएगा तो वो बच्चे के अंदर भी चला जाएगा। इसको ज़्यादा सेवन करने से पेट भी ख़राब हो जाता है, कई बार कई लोगों को लूज मोशन हो जाते हैं, पेट में कुछ अपच हो जाता है। तो नॉर्मली इस तरह की चीज़ें तभी होंगी जब इसका जो है अधिक मात्रा में सेवन किया जाएगा, अदरवाइज़ कोई ऐसी विशेष इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, जैसा मैंने कहा, एक्सेसिव क्वांटिटी में ज़रूर कुछ ना कुछ करती है, ब्लीडिंग भी कई बार, नॉट ओनली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मैंने जैसे कहा, कभी और शरीर में भी ब्लीडिंग, नाक से ब्लीडिंग, ऐसी चीज़ें भी ये पैदा कर सकती है अगर ज़्यादा मात्रा में ली जाएगी। तो इसका हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको कच्ची हल्दी का सेवन करना है तो अगर जूस लेना है तो उसका जूस निकाल करके एक चम्मच जूस काफ़ी है, एक से दो चम्मच मैक्सिमम, जो छोटी चम्मच होती है टीस्पून। और अगर उबाल करके आपको किसी तरह से उसको सेवन करना है तो फिर अगेन छोटा सा टुकड़ा लो, 1.5-2 इंच का एक छोटा टुकड़ा, छोटा छोटा उसको काट लीजिए और उसको दूध में उबाल करके, उसका ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से 5 ग्राम की क्वांटिटी काफ़ी है। कभी कभार इसको जो है छील करके, काट करके और नींबू का रस डाल के थोड़ा अचार टाइप का बना करके भी रख लेते हैं, और भोजन के साथ उसको सेवन करने से आपकी अग्नि भी अच्छी होती है और आपका पाचन भी अच्छा होता है। देखिए, कच्ची हल्दी अगर आप थोड़ी लेंगे, सही मात्रा में लेंगे, तो ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और किन लोगों को कच्ची हल्दी बिल्कुल नहीं लेनी है, ये डॉक्टर साहब ने आपको बताया है। उम्मीद करते हैं इन बातों का आप भविष्य में ध्यान रखेंगे। संजीवनी देखते रहिए, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद डॉक्टर चौहान देंगे आपको संजीवनी टिप्स और बताएंगे तुलसी सेहत के लिए कैसे है रामबाण औषधि। चलिए, अब बारी है आज की संजीवनी की। कच्ची हल्दी लेने का सही तरीका क्या है? क्या अलग अलग बीमारियों में कच्ची हल्दी लेने की भी अलग अलग विधि है? आइए जान लेते हैं। तो सर बताइए कि क्या अगर बीमारियां हैं, कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो उसमें क्या जो हल्दी हम ले रहे हैं कच्ची हल्दी, तो उसकी विधि भी अलग हो जाती है, तरीका भी अलग हो जाता है? देखिए, अगर जैसे कि हमें पेट के लिए लेना है कि पेट को ठीक रखना है, पाचन को ठीक रखना है, पेट साफ करना है, तो कच्ची हल्दी को आप पानी में उबाल करके लें, मतलब यानी कि उसके हल्दी की जैसे चाय बन जाएगी एक तरह की आपकी, उसको थोड़ा सा जैसे अदरक का पानी बनाते हैं, थोड़ा सा कूट लीजिए, पानी में उबालिए अच्छी तरह से, फिर छान करके वो पानी आप पी लीजिए, पेट साफ करेगी। उसका रस निकाल करके पिएंगे तो जो कैंसर में जो मैंने काम बताया इसका, या फिर जो लीवर के लिए बहुत अच्छी है, उसका जूस, फ्रेश जूस निकाल करके 1-2 चम्मच उसका जूस पिए, लीवर के लिए बहुत अच्छी है। दूध में उबाल करके अगर पिएंगे उसको तो आपको खांसी, जुकाम, बलगम वगैरह में फ़ायदा करती है, बल्कि इसके अलावा जोड़ों में दर्द, अगर आपको है कहीं पर चोट लगी है, कमर दर्द होता है, कहीं आपके शरीर में कहीं सूजन आ गई है, तो उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। और अगर आपको भूख कम लगती है, अपच रहता है, तो थोड़ा सा एक छोटा छोटा पीस बना करके, बल्कि उसमें थोड़ी अदरक भी डाल लीजिए और नींबू के रस में डाल के अपने डाइनिंग टेबल पर उसको रख लीजिए, खाते समय उसको थोड़ा थोड़ा अपने भोजन के साथ सेवन करने से आपकी अग्नि भी प्रदीप्त होती है, साथ में आपका भोजन भी ठीक से पचता है और आम नहीं बनता है। आम नहीं बनेगा तो आपको अनेक प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलेगा। तो इस प्रकार से सिंपल तरीका है इसका प्रयोग करने का। हाँ, और अगर आपको चेहरे के चमक के लिए, चेहरे पर ग्लो लाने के लिए, तो अगेन उसका छिलका उतारो, छोटा छोटा सा करके थोड़ा पेस्ट बना लो और उसमें थोड़ा सा दूध और शहद मिला के अच्छा पेस्ट बना जी, रगड़ के पाउडर जैसा, और उसको फिर आप फेस मास्क की तरह चेहरे पर लगाइए, कम से कम 15-20 मिनट उसको जरूर रखना है। उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से आप वॉश कर दीजिए, तो चेहरे पर आपको एक विशेष प्रकार का ग्लो और चमक भी दिखेगा। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 01294040404। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराएं और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स, जो खुद आपको फोन करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। तुलसी का पौधा तो हम सभी के घर में है, लेकिन क्या आपको तुलसी खाने और तुलसी से सेहतमंद होने का सीक्रेट पता है? तुलसी सेहत के लिए कैसे रामबाण औषधि है, आइए जान लेते हैं। सर, तुलसी का हमेशा जिक्र होता है, अगर पूजा भी होती है तुलसी की, पूजा भी होती है और कई औषधीय गुण भी बताए गए हैं, तो कैसे है ये रामबाण सेहत के लिए? देखिए, जब किसी की पूजा होती है ना, तो हमारे यहाँ जो हमारा भारतीय संस्कृति है, उसमें पूजा का मतलब होता है किसी को थैंक यू बोलना, उसको धन्यवाद बोलना, उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा रखना। तो क्योंकि वो इतनी गुणकारी है, उसको तुलसी का पौधा आप घर में रख ही लेंगे, उसी से बहुत सारा फायदा हो जाएगा, चाहे सेवन भी ना करें, क्योंकि उसमें से एक फ्रेग्रेंस निकलती है, एक ऐसा एरोमेटिक जो है, एक सुगंध निकलती है कि जो आपके घर में जो है
बैक्टीरियाज को नष्ट करती है, एक अच्छा उसमें हेल्दी माहौल क्रिएट करती है। बल्कि तुलसी के पत्ते, आपने सुना होगा कि जब भी खांसी जुकाम बलगम वगैरह होता है, तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा ताज़ा अदरक, काली मिर्च, लौंग उबाल करके आप पिए, देखिए आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा, तुरंत फ़ायदा मिलेगा। यहाँ तक कि अगर सूजन कहीं पर है आपके शरीर में, आंतों में सूजन अगर है, तो थोड़े दो तीन तुलसी के पत्ते पीस करके और या तो पानी के साथ या शहद में मिला के आप चाट लीजिए, उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। तुलसी जो है स्ट्रेस में भी फ़ायदा करती है। तुलसी के दो तीन पत्ते आप जो है उबालिए एक कप पानी में अच्छी तरह से, और उसको या तो गर्म पानी में डाल करके रख दीजिए, फिर उस तुलसी वाले पानी में थोड़ा सा शहद मिला करके आप पियेंगे, उससे आपका मानसिक तनाव या स्ट्रेस भी कम होगा और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है। तुलसी जो है जब आप सेवन करते हैं किसी भी रूप में, तो आपके हार्ट को भी शक्ति देती है। और बुखार में तो आमतौर पर, ख़ास तौर से जब ये फ्लू वगैरह हो जाता है, तो उसमें तुलसी के पत्तों का काढ़ा बना करके देते हैं या तुलसी के पत्तों का पेस्ट बना करके आप शहद के साथ चाटते हैं, उससे आपको फ़र्क पड़ता है। सिर दर्द हो, बदन में दर्द हो, बॉडी में आपके पेन हो रहा है पूरा, कान में दर्द हो रहा है, दर्दनाशक भी है तुलसी। तो तुलसी की रक्षा करिए, तुलसी का पौधा अपने घर में ज़रूर रखिए और उसकी देखभाल भी करिए, थोड़ा पानी उसमें दें रोज़ और उसको थैंक यू बोलें, उसको नमस्कार बोलिए। तो देखा आपने तुलसी के इतने सारे फायदे हैं, सुना आपने डॉक्टर साहब से, और इसीलिए तुलसी को रामबाण औषधि कहते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हल्दी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी कि कितनी गुणकारी है हल्दी हमारे लिए। जी थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे, और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 01294040404। ये नंबर फौरन मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jeeva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी फेसबुक की आईडी है www.facebook.com/jeevaayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार।